नमस्कार, चौपाल चर्चा में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सौरभ शर्मा। आज हम गांव धोरापालन अलीगढ़ में हैं। आज का हमारा विषय फसल अवशेष प्रबंधन। सर, ये फसल अवशेष है क्या? ये खेत में उत्पादन होने वाली जो फसल है, जो उसका प्रयोग जो उपयोग नहीं होता, उसको अवशेष के रूप में खेत में छोड़ देते हैं या उसका दूसरी तरह से, वो तो फसल के अवशेष हैं। ये फसल अवशेष का कैसे किसान भाई जो ना जलाएं, उससे क्या वो इसके क्या मिट्टी की उर्वरता शक्ति भी बढ़ती है? फसल इस तरह जो आज देख रहे हैं, आज के सिनेरियो में हमारे मृदा की जो जीवाश कार्बन है कम होता जा रहा है, तो उसके लिए भी किसी तरह से हम ऑर्गेनिक अवशेष, चाहे वो वनस्पति अवशेष हैं, फसल के अवशेष हैं, किसी को भी हम मृदा में इनकॉर्पोरेट, मतलब मृदा में समायोजन करना है, जिससे वो डिकम्पोजिशन गलन के बाद वो हमारी मृदा की ऑर्गेनिक कार्बन को बढ़ाएं और उसके साथ साथ जो पोषक तत्वों का जो मात्रा है वो भी में वृद्धि हो। और साथ ही इससे भी जो मुख्य बात है, जो अवशेष के जलाने से जो हमारे वातावरण में जो प्रदूषण होता है वो भी एक रिमार्केबल बात है, उसका भी प्रबंधन हो जाए, खेत में ही हो जाता है। जैसे कि हमारे किसान भाई फसल के अवशेष जलाते हैं, तो उससे क्या नुकसान है और उसको उससे बचने के लिए किसान भाई क्या कर सकते हैं? जिस तरह से हम जानते हैं कि फसल में लगभग 16 तत्व होते हैं, उसी तरह से अवशेष में भी वही तत्व होते हैं, और जलाने के बाद हमारा सिर्फ एक पोषक तत्व होता है जो पोटाश, उसके अलावा सब नष्ट हो जाते हैं। उसके साथ साथ जो मृदा की पे हम जब फसल खेत में जलाते हैं, तो खेत की ऊपर की सतह में जो सूक्ष्म जीव हैं उनके वो भी निष्क्रिय और वो भी मर जाते हैं, तो इस तरह से काफ़ी नुकसान होता है और फसल की जो उर्वरा शक्ति है उसमें ह्रास होता है। वायु प्रदूषण को रोकने के लिए क्या क्या कर सकते हैं? यदि हम इन अवशेषों को खेत में ही हम प्रबंध कर लें या खेत में ही उसको फसल के साथ प्रयोग, मिट्टी में प्रयोग कर लें, तो ये जो वायु का प्रदूषण है उससे बचत हो सकती है। इसकी मिट्टी की गुणवत्ता शक्ति भी बढ़ती है इससे? हाँ, मृदा की तीन तरह के गुण होते हैं, भौतिक गुण, रासायनिक गुण और जैविक गुण। तीनों ही गुणों में इसके अवशेष के प्रबंधन करने, तीनों गुणों में ही लाभ होता है। जैसे किसान भाई हैं, उनको अगर फसल अवशेष है तो क्या उसको कौन सी मशीन द्वारा वो इससे जो मिट्टी की उर्वरता शक्ति में ही अवशेष को मिला सकते हैं? इस तरह का है, जैसे कोई भी अवशेष है, जितने छोटे टुकड़े में होगा उसका विघटन जल्दी होगा, और उसके लिए हम जो चौपर होता है, जो इसको छोटे छोटे टुकड़ों में कर, सबसे पहले उसको प्रयोग करते हैं, जैसे धान के खेत में फसल कटी मशीन से जो कंबाइन सीड ड्रिल से, उसके बाद चौपर से उसको बारीक कर लेते हैं, और बारीक करने के बाद में जो हम उसके आगे आने वाली जो गेहूं की फसल है उसको बोने के लिए हैप्पी सीडर का इस्तेमाल करते हैं, जिससे हम भली भांति हमारी जो कॉस्ट ऑफ कल्टिवेशन, मतलब जुताई, ज़्यादा जुताई का वो खर्च भी बच जाता है। उसके साथ साथ जो अवशेष हैं, जो हमारा मुख्य उद्देश्य है, अवशेष जमीन में गल के और मृदा की भौतिक और रासायनिक जैविक तीनों गुणों को ही में वृद्धि करते हैं। सरकार द्वारा इसमें कोई सब्सिडी दी जाती है? हाँ, सब सरकार ने एक प्रोग्राम चलाया है कि इनको करने के लिए किसान पर किसान कुछ धनराशि सब्सिडी के रूप में दी जाती है, ताकि किसान ज़्यादा से ज़्यादा उसका प्रयोग करें और पराली या कोई भी फसल के अवशेष को जलाने के बजाय उसको खेत में प्रयोग करें। अगर हम बात करें धोरापालन की, तो इस गांव में कितने किसान जागरूक हैं? ये वैसे तो आमतौर पर किसान हमारे पूरे जनपद का ही काफ़ी जागरूक है। फसल अवशेष के बारे में जानते हैं आप? हाँ, जानते हैं जी। ये जो अवशेष है, जो फसलों के सूखे हुए होते हैं या हरे होते हैं खेत में, उसे अवशेष कहते हैं। तो आपने क्या इससे आप कोई फसल के जो अवशेष हैं उससे आप जो आपके आपके जो फसल के अवशेष हैं उससे आप क्या क्या करते हैं उसको? हम उनको जो है हैरो से काटते थे पहले, फिर इसके बाद रोटावेटर चलाते थे, तो वो छोटे छोटे टुकड़ों में बट के मिट्टी में मिल जाता था, तो धीरे धीरे सड़ता है वो। तो जैसे कि पहले किसान जो ये क्या करते थे कि फसल के जो अवशेष थे उसको जला दिया करते थे, तो उससे जो हमारी मिट्टी की जो उर्वरा शक्ति है वो कम हो जाती थी। तो अब जैसे कि सरकार द्वारा इतनी सारी स्कीम्स चलाई जा रही हैं, तो उससे आपने कोई लाभ लिया है? हाँ, लाभ लिया है साहब, सरकार की स्कीमों से और इनके प्रशिक्षणों से हमने लाभ लिया है। और जैसे खेत में जैसे हैरो चलाया, उसमें यूरिया मार दिया,
और इसके बाद पानी छोड़ दिया तो वो जल्दी गल जाता है, उसके जीवांश कार्बन बढ़ता है तो पैदावार भी बढ़ती है और खाद कम देना पड़ता है, रासायनिक खाद, ये हमें लाभ मिले हैं। आप जानते हैं फसल अवशेष क्या होता है? जी, तो फसल अवशेष से आप मिट्टी की जो सुधार होती है उसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, ये फसल अवशेष जैसे धान की पुआली है, इसकी समस्या ज़्यादा है। NCR में तो लगभग इससे पंजाब वगैरह में जला देते हैं, काफ़ी धुंध छा जाती है, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज़्यादा हो जाती है, इसे सांस लेने में तरह तरह की बीमारियां भी हो जाती हैं जी। अगर इनका हल इस तरह निकला है कि ये नष्ट खेत में ही हो जाएं जी, तो स्वास्थ्य के लिए भी, वायुमंडल के लिए भी जी, बहुत ही लाभदायक है जी। इसके लिए हमें हमारे गांव धौरापालन में डॉक्टर सुधीर सारस्वत जी आते रहते हैं जी, और हमारी मीटिंग किसानों को प्रशिक्षण भी देते हैं और नई जागरूकता के लिए सरकार से कुछ नई नई टेक्नोलॉजी मशीनें वगैरह भी लाने का प्रयास कर रहे हैं। हमें उम्मीद है कि आने वाले वक्त में जैसे शॉपर है, मशीन हैप्पी सीडर, उसको भी लाने का प्रयास कर रहे हैं और हमें प्रशिक्षण देते हैं कि इन्हें भाई पुआली वगैरह को खेत में ही नष्ट करते रहें। इससे दो तरह के फायदे होंगे, प्रदूषण, वायुमंडल दूषित होने से बचेगा और जीवांश कार्बन pH मान जो जमीन का हमारी उर्वरा शक्ति है वो भी बढ़ेगी, ऐसा हमें डॉक्टर साहब प्रशिक्षण देते रहते हैं। अब वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का, उसके बाद जानेंगे धौरापालन के किसान किस तरीके से फसल अवशेष से फायदा ले रहे हैं। सूखा हो या बेमौसम की बरखा हो, कीड़ा लगे खेत में या दुविधा हो, बहुत ही कम प्रीमियम पे पूरी हो भरपाई, फसल बीमित रहे कटाई के बाद भी भाई। हाँ, ऋणी या अऋणी अब हर किसान लाभ उठाए, एक मौसम कदर है सब किसान बीमा कराए, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना से हर किसान मुस्काए। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा किसान हित में जारी। किसान भाइयों, गांठ बांध लो, बात बहुत है काम की, समृद्धि के पैगाम की, मिट्टी के मिजाज को समझो, मिट्टी के हर रास को समझो, मिट्टी की तुम जांच कराओ, मुफ्त सॉइल हेल्थ कार्ड ले जाओ, कभी मुनासिब बीज लगाओ, सही किस्म की खाद ले आओ, जितनी जरूरी उतनी डालो, सही मात्रा खुद पहचानो, इसको अपना मंत्र बना लो, मिट्टी की सेहत को जानो, बात बहुत है काम की, कम लागत अधिक वरदान की, किसान भाइयों गांठ बांध लो। आज ही मिट्टी की जांच कराएं, राज्य सरकार के कृषि अधिकारी से संपर्क करें और मुफ्त में सॉयल हेल्थ कार्ड पाएं। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा किसान हित में जारी। ब्रेक के बाद आपका पुनः स्वागत है कार्यक्रम चौपाल चर्चा में। हमारे साथ कृषि विज्ञान केंद्र शेरत के डॉक्टर सुधीर सारस्वत जी हैं। सर, ये फसल अवशेष है क्या? फसल अवशेष जो है ये हमारी जो किसान भाई हमारे जो फसलें करते हैं खेतों में उनके जो अवशेष बचते हैं, जैसे धान की पाली है, गेहूं का है, बाजरे का है, मक्का का है, जितनी भी हमारी फसलें हैं इनके भी जो अवशेष बचते हैं तो उनको जो बचता है उसे हम फसल अवशेष कहते हैं। फसल अवशेष से क्या मृदा की उपयोगिता जो है वो बढ़ती है? हाँ, फसल अवशेष से मृदा की उपयोगिता इस वजह से बढ़ती है कि जब हम उसका अवशेष उसी ज़मीन में डिकम्पोज कर देंगे तो हमारा जो जीवांश कार्बन जो ज़मीन के अंदर है जो कम है, जो 0.2% अलीगढ़ की भूमि में है, तो ये क्या है कि इसका बड़ा विपरीत प्रभाव जो है हमारी फसलों पर पड़ता है। नंबर एक तो हमारी ज़मीन में जल धारण क्षमता कम हो जाती है तो पानी की आवश्यकता ज़्यादा पड़ती है। दूसरा, हमारी उत्पादकता पर भी असर पड़ता है, जब हमारी उत्पादकता भी कम हो जाती है
तो इससे कई चीज़ों का इस तरीके से इफेक्ट पड़ता है। जब जीवांश कार्बन होगा वही हमारे ज़मीन में पैदावार बढ़ाता है। फसल अवशेष से किसान कितने जागरूक हुए हैं? अलीगढ़ जनपद के किसान वैसे काफ़ी जागरूक हैं, फिर भी हम अपनी प्रशिक्षण और कृषि विज्ञान केंद्र का एक अवशेष प्रबंधन पर एक जागरूकता अभियान चला हुआ है। वो जागरूक अभियान को हम पूरे जनपद में ट्रेनिंग के माध्यम से देते हैं, फिर भी भारत सरकार द्वारा एक गांव हमें अडॉप्ट करने के लिए यहां दिया गया था, जो हमारा यहां लोधा ब्लॉक में ग्राम धौरा पालन है, उसको हमने अडॉप्ट किया है। उस गांव में हमने जागरूकता अभियान के भी 2-3 प्रशिक्षण कराए हैं और उसके बाद वहाँ हम एक वैज्ञानिक किसान संवाद गोष्ठी भी करने जा रहे हैं, जिससे कि उसमें हमारे जनपद के जो अच्छे अच्छे वैज्ञानिक हैं और वरिष्ठ वैज्ञानिक हैं उन सबको वहाँ ले जा करके एक किसानों से सीधा वार्तालाप कराएंगे और किसानों की जो मुख्य समस्या है अवशेष प्रबंधन से संबंधित या अन्य चीज़ों से संबंधित, तो उनके बारे में किसानों को पूरा जागरूक किया जाएगा। सर, फसल अवशेष प्रबंधन के लिए कौन कौन सी मशीनें उपलब्ध हो रही हैं अलीगढ़ ज़िले में? अभी भारत सरकार की दिशा निर्देश के अनुसार जो हमारे पास लेटर भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद का जो आया है, उसमें अभी किसानों के लिए एक कटर, चौफर और हैप्पी सीडर का प्रावधान है। अभी हम कटर और इससे ही किसानों को कराएंगे। अगली बार और कोई यंत्र आते हैं तो उसकी बाद में सूचना किसानों को दी जाएगी। कटर का कार्य यह है कि हमारे खेत में, किसानों के खेत में जो अवशेष खड़े रहते हैं, वो कटर जो चलता है वो क्या करता है कि वो कुट्टी टाइप ट्रैक्टर में लगा के जब उसे चलाते हैं तो वो अवशेष को कुट्टी बना देता है, और कुट्टी बनाने के बाद जब उसके छोटे छोटे अवशेष हो जाते हैं तो उसे हमें फैलाने में, चौपर जो है उसे पूरे खेत में इस तरीके से फैलाता जाता है, और हैप्पी सीडर जो है वो बुवाई का कार्य करता है। तो उससे क्या होता है कि हमारे किसान भाइयों को ये समस्याएं आती थीं कि जब वो सीडर से बुवाई करते थे तो अवशेष जो है उनके सीडर में फंस जाता था और सोइंग जो है वो गड़बड़ डिस्टर्ब हो जाती थी। अब इसके साथ ऐसा नहीं होगा, तो उससे ये होगा कि उन्हें बुवाई में भी ज़्यादा समस्या नहीं रहेगी। दूसरा ये होगा कि जब अवशेष हमारा छोटा छोटा जब पार्टों में जब कट जाता है तो उसे गलने में भी ज़्यादा समय नहीं लगता और वो एक लेयर टाइप उसके ऊपर बन जाती है, जिसे हम मल्चिंग कहते हैं, मल्चिंग टाइप पूरे जमीन उस खेत पर हो जाता है और वो जल्दी गल जाता है, उससे हमारा डिकम्पोज होने में बहुत फ़ायदा रहता है। जो फसल अवशेष हैं उसके बारे में आपको क्या जानकारी है? फसल अवशेष से मतलब है जैसे कि जो पैदावार लेने के बाद में जो वेस्ट उसका बचता है उसको हम फसल अवशेष कहते हैं। जैसे कि कहते हैं फसल अवशेष से मिट्टी की जो गुणवत्ता शक्ति है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो क्या आपने उसके लिए कोई कदम उठाए हैं? जी, हमने यही इसमें करते हैं कि जैसे जो भी हमारे फसल अवशेष होते हैं उनको हम जोत करके फसल में मिट्टी में मिला देते हैं और पानी लगा देते हैं, जिससे कि वो उसमें सड़ जाते हैं और आगे हम अच्छी पैदावार उसमें लगा ले सकते हैं। उसके लिए, उन्हें सड़ाने के लिए, मैं आपको बता दूं कि मैं एक स्वदेशी किसान हूं, मैं DAP यूरिया का प्रयोग नहीं करता हूं, तो मैं उसमें आपका जीवामृत वगैरह का मैं उसमें प्रयोग करता हूँ, और हाँ ऑर्गेनिक तरीके से मैं उसको नष्ट करने की कोशिश करता हूँ, जैसे कि जीवामृत के द्वारा, और आजकल एक सरकार ने एक वो निकाला है वेस्ट डीकम्पोजर, उसके माध्यम से हम उसको फसल में मिट्टी में ही मिला के उसे अच्छा खाद उसका हम बना सकते हैं। अब वक्त हो चुका है एक और छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जानेंगे कि धौरा पालन के किसान किस तरीके से फसल अवशेष से लाभ ले रहे हैं। क्या बात है भाई, आजकल तो काफी खुश नजर आ रहे हो। क्यों ना हो, अब मैं ऑर्गेनिक खेती जो कर रहा हूँ ये पूरा प्राकृतिक है, ऑर्गेनिक है। इसमें हमारे खेत, हमारी फसल और हमारी जेब सब फायदे में होते हैं, और इसमें लागत भी कम है। जी हाँ, आप भी ऑर्गेनिक खाद का प्रयोग करें, अपनी फसल और मिट्टी को तंदुरुस्त बनाएं और आपकी आमदनी में
इजाफा करें। अधिक जानकारी के लिए किसान कॉल सेंटर टोल फ्री नंबर 1800-1801551 पर कॉल करें और लॉग इन करें किसान.gov.in और farmer.gov.in। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा किसान हित में जारी। अरे सुन तो। मुझे क्या सुनाना चाहते हो? जो सुनाओ मेरी सौतन को। किसको? अरे वही तुम्हारा मोबाइल फोन जिसे सुबह शाम दिन रात चिपके रहते थे और कहते थे किसान कॉल सेंटर से बातें हो रही हैं। अच्छा ये बात है। हाँ क्यों, क्या हुआ, अब बात नहीं होती क्या? अब तो झट से बात हो जाती है। ऐसा क्या? हाँ अब तो ज्यादा लाइनें और खास तकनीक के कारण खेती के माहिरों से तुरंत बात हो जाती है। और अगर कभी लाइन व्यस्त हो तो अपनी समस्या फोन पर रिकॉर्ड करा दो, वहाँ से फोन आ जाता है और समस्या की हल्का मैसेज भी आ जाता है। ये देखो आ गया। अरे वाह, इसका मतलब इंतजार की घड़ी अब खत्म। हाँ। तभी मैं सोचूं कि आजकल मुझ पर इतना प्यार क्यों आ रहा है। कृषि संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत हल पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें। किसानों का दोस्त किसान कॉल सेंटर। ब्रेक के बाद आपका पुनः स्वागत है कार्यक्रम चौपाल चर्चा में। फसल अवशेष के बारे में जानते हैं? हाँ जानते हैं। क्या है सर फसल अवशेष? फसल अवशेष वो है जिनमें से हम अनाज निकाल लेते हैं, उसका जो शेष बचता है वो फसल अवशेष होता है जी। उसे हम खेत में फैला के हैरो चलाते हैं जी। अब गवर्नमेंट ने जो यंत्र मंगाए अभी आए नहीं है, उससे हम काम करेंगे, इससे सुविधा रहेगी। उससे क्या फायदा क्या होगा इससे? उससे हमारे जीवांश बढ़ते हैं, पैदावार बढ़ती है और प्रदूषण रुकता है। जो आग लगा देते थे हम, पिछली साल भी हमने आग लगाई थी जी। धान के अवशेषों में जी। अब हम उसे नहीं लगाएंगे जी। फसल अवशेष के बारे में जानते हैं आप? हाँ जी जानते हैं सब। क्या होता है फसल अवशेष? फसल अवशेष वो होता है जो कटाई के बाद जो शेष रह जाता है खेत में, जैसे धान की शेष, गेहूँ में शेष, वो पाल जो होता है, पाल होता है, वो अवशेष बोला जाता है। अच्छा। तो उससे कितना मिट्टी में सुधार किया जा सकता है उससे? मिट्टी में पहले तो लोग इसे जला देते थे, जिससे कि हमारे प्रदूषण, वायु प्रदूषण बहुत सारी बीमारियों का कारण बनता था और हमारा वायुमंडल दूषित होता था। आज किसान जागरूक है पूरी तरह और किसान जानता है कि फसल अवशेष को खेत में ही जोता जा सकता है और नष्ट किया जा सकता है। अगर बात करें दोहरा पालन की, तो यहाँ के जो किसान हैं तो कितना जागरूक हैं वो इसके लिए? यहाँ के किसान, हमारे जो कृषि वैज्ञानिक हैं, यहाँ कृषि विज्ञान क्षेत्र है जी। यहाँ के किसान बहुत ही वैज्ञानिक, हमारे लिए नई नई तकनीकियाँ और नई नई ट्रेनिंग दिया करते हैं हमें, और यहाँ का किसान बहुत ही जागरूक है, पूरी तरह सक्षम है और खेती में बहुत, जैसे प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी का आदेश है कि सन 2022 में आमदनी दूनी करने का, उस लक्ष्य को पूरी तरह अलीगढ़ जिला तैयार करने को जागरूक है। हमारे बीच और भी किसान हैं जो इस फसल अवशेष के बारे में, हम उनसे जानना चाहेंगे कि वो इससे क्या लाभ ले रहे हैं और कितना बदलाव अपने जीवन में ला रहे हैं। सर आपका नाम क्या है? मेरा नाम सर कृष्ण कुमार। कृष्ण कुमार जी, फसल अवशेष के बारे में जानते हैं आप? जी हाँ। क्या है फसल अवशेष? फसल अवशेष जो है कि जो भी हम अपनी फसल लेते हैं और फसल लेने के बाद जो भी शेष बचता है जी, उसको हम फसल अवशेष कहते हैं जी। उससे क्या, आपने उससे क्या बदलाव क्या देखा है अपने गांव में? जी हमें फसल अवशेष से पहला बदलाव तो यह है कि इससे जो जमीन की जो गुणवत्ता है वो बढ़ती है। अच्छा। तो जो भी जीवांश होते हैं जमीन के अंदर वो नष्ट नहीं होते जी। और तीसरी बात है कि जो भी वातावरण में जो भी जो गंध फैलती थी, जो है जिसको वायु प्रदूषण कहते हैं, उससे जो बचा जा सकता है और जो तरह तरह की जो बीमारियां हैं जो उससे नहीं फैलती हैं। आपके किसान भाई यहाँ के कितने जागरूक कितने हैं? अब तक जो कृषि विज्ञान केंद्र के जो भी प्रयास रहे हैं उनकी तरफ से जो फसलों में हमारी उत्पादकता बढ़ी है, हमारी आर्थिक दृष्टि को देखते हुए तरह तरह की वो योजना अब तक लाते हैं, इसलिए एक उनका विश्वास बना है और वैज्ञानिकों की बातों पर विशेष रूप से ध्यान देते हैं। और इस पर भी उनका ये विशेष योगदान है कि लोगों ने 2 साल पहले से ही फसल अवशेषों को जलाना बंद कर दिया। वो बात अलग है कि रोटावेटर और हैरो का प्रयोग कर रहे थे, लेकिन अब चैपर और दूसरा कटर और एक जो हैप्पी सीडल है उनका भी नाम आ रहा है कि ये हमारे इसमें जो है सहायक होंगी खेती में, तो उनका भी प्रयोग कुछ दिन बाद हम करने लगेंगे।
बहुत बहुत धन्यवाद। जैसे कि हमने जाना कि ये हैप्पी सीडिल और इन सब का प्रयोग करने लगेंगे क्योंकि इनके गांव में कुछ ही समय बाद ये सब चीज़ें इनको मुहैया हो जाएंगी। तो आइए और भी किसान हमारे साथ हैं जिनसे हम सवाल करेंगे। सर आपका नाम क्या है? मेरा नाम सतपाल सिंह है। फसल अवशेष है क्या? जो फसलें काटने के बाद में जो अवशेष बचता है, जैसे ज्वार की कर्व है, बाजरे की है, मक्के की है और धान की पुआली है, तो ये फसल अवशेषों में आती है और इसको जो है लोग जला देते हैं। अब जो है इसको काट के और ज़मीन में मिला देते हैं तो इसका जो है वो गल जाती है, सड़ जाती है और ज़मीन की उर्वरा शक्ति बढ़ जाती है इससे। फसल अवशेष के बारे में जानते हैं आप? हाँ जी, जो भी फसल का अनाज लेने के बाद जो भी अवशेष बचता है उसको फसल अवशेष कहते हैं। अभी तक पहले ज़्यादातर पुलाव वगैरह में तो आग लगाते ही थे, या जो गेहूं सीड उससे कटवा कंबाइन से कटवाते हैं तो उसमें भी कुछ लोग आग लगा देते हैं, कुछ उसका जो भूसा भी बनवा लेते हैं। मगर अब उसमें जब नई मशीन आ जाएंगी तो उसको ज़मीन में मिलाने में बहुत आसानी रहेगी। सर फसल अवशेष के बारे में जानते हैं? हाँ जानते तो हैं। अगर हम बात करें इस गांव की तो फसल अवशेष से क्या क्या लाभ हो रहे हैं इसमें? इसमें नुकसान क्या है, पूरा लाभ ही लाभ है। नुकसान तो पहले करते थे जब नहीं जानते थे, उसको जलाया जाता था, उसमें प्रदूषण भी होता था और मिट्टी की सेहत भी ख़राब होती थी। लेकिन जब से हमारे बीच में वैज्ञानिक लोग आए और उन्होंने बताना शुरू किया, सरकार ने भी इस पर चौपाल में, कृषि दर्शन में, ये सभी में उसका प्रचार प्रसार किया, तो अब उसको जलाना बंद करके अब उसको ज़मीन में सलाना गलाना ये शुरू किया है, तो उससे ज़मीन की उर्वरा शक्ति भी बढ़ रही है, पैदावार भी बढ़ रही है, खाद भी कम लगाना पड़ता है और जो प्रदूषण था वो रुक गया। ये फसल अवशेष के बारे में जानते हैं? जी हाँ जानता हूँ। क्या होता है फसल अवशेष? जो हम फसल पैदा करते हैं उसमें से हमारी जो उपयोग की जो वस्तु है, अनाज है, उसको हम घर में स्टोर करने के बाद में जो खेत में अवशेष बचता है उसको फसल अवशेष कहते हैं। किसान भाइयों को सर आप क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं तो किसानों को यही संदेश देना चाहता हूँ कि हमारे किसान भाई जितने भी हमारे फसल अवशेष हैं उन सबको अच्छी तरीके से, जो मशीनें आ रही हैं इस तरीके से उनको करें, जिस तरीके से प्रशिक्षण इन्हें दिया है, तो जिससे कि हमारी ज़मीन की उर्वरा शक्ति भी बनी रहेगी और वायुमंडल में जितना भी प्रदूषित है वो उसकी भी रोकथाम हो सकेगी। और यही मैं किसान भाइयों से कहता हूँ कि आप अपने फसल प्रबंधन के अंतर्गत सभी अपने अवशेषों को खेत में ही गलाएं और ज़मीन की उर्वरा शक्ति बढ़ाएं। आज के इस कार्यक्रम में जहाँ फसल अवशेष के प्रबंधन की बात है तो मैं किसान भाइयों को यही कहना चाहूँगा, किसी भी स्थिति में कार्बन, ये फसल के अवशेष जो चारा और दाने से जो अवशेष बचता है फसल उत्पादन में, उसको जलाएं ना, उसका किसी भी तरह से विघटन करके खेत में या फिर खेत से बाहर जहाँ भी हो उसको डिकम्पोज करके ही खेत में प्रयोग करें। इस तरह से मृदा की उर्वरता भी बढ़ेगी और तीनों ही तरह के जो गुण होते हैं, भौतिक, रासायनिक और जैविक, जो मृदा के गुण हैं उनमें वृद्धि होगी, इस तरह से उत्पादन में वृद्धि होगी और हमारी मृदा का जो जीवांश कार्बन, सो कॉल्ड हीमोग्लोबिन, जैसे मृदा ह्यूमन बींग्स में होता है, उस तरह से जो ऑर्गेनिक कार्बन है उसमें वृद्धि होगी।